खाना बर्बाद मत करना, ठीक है? ये लो। दीक्षा, दीक्षा। यस मैम। यहाँ आओ। अरे प्लेट छोड़ दे यहाँ, मैं धो दूंगी, चल जा। आज रात ज्यादा खेलना मत, जल्दी से सो जाना, ठीक है? पर क्यों? कल कोई खास तुमसे मिलने आने वाला है। मुझसे मिलने के लिए? कौन आने वाला है? कल तुम्हें पता चल जाएगा, जाओ अभी सो जाओ। दीदी, जब माँ बाप है ही नहीं तो मुझसे मिलने कौन आ रहा है? माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, चाचा मामा कोई भी आ सकता है मिलने के लिए, या फिर चाची मामी कोई भी आ सकती है। ए, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, हो सकता है कि तुम्हारे दादा दादी मिलने आ जाए। जब वो कल आए तो तुम अच्छे कपड़े पहन के तैयार रहना, अच्छे कपड़े है ना? हाँ है। एक बार फिर से गिन लो और कंटेनर चेक कर लो। ओके सर। सर, हमने टाइल खोल के देख लिया है, 100% प्योर कोकीन उसके अंदर मिला है। कितने किलो? लगभग 1 टन, 900 किलो से ज्यादा है। उसकी कीमत 800 करोड़ से ज्यादा होगी सर। अब तक पकड़ा गया सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल है सर। बॉयज, मैं नहीं जानता इस ड्रग कार्टेल की वजह से कल सुबह तक कितने लोगों की जान जा सकती है, तो जब तक मेरी बात नारायणन या ओपीजी हेड से नहीं होती, किसी को इसके बारे में पता ना चले, तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को भी नहीं। यस सर। सिर्फ राकेश का ही फोन ऑन रहेगा। यस सर। उसी के जरिए हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। यस सर। मेरे नंबर के अलावा किसी भी नंबर से फोन आया तो उठाना मत। यस सर। ओके। बिल्ला भाई, मेरी बात पर यकीन करो, इजाज़ ने जैसे गेट क्रॉस किया तब मैंने इशारा किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं जानता कि वहां पुलिस कैसे आ गई। सुन बे, मेरा पूरा माल चला गया लेकिन, और तू बेवकूफ की तरह इतनी देर से बक बक कर रहा है। भाई आप किसी से भी पूछ लो। मान ले, छोड़ दूंगा। मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूँ बिल्ला भाई, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गए। मुझ पर भरोसा करो, एजाज ने क्रॉस किया और मैंने इशारा किया, इसके सिवा मैंने कुछ नहीं किया है। भाई मेरे साथ ऐसा मत करो बिल्ला भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सच कह रहा हूँ। मैं नहीं जानता वहाँ पुलिस कैसे आ गई, मैं सच कह रहा हूँ भाई। बिल्ला से बात करो। तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो, कुछ बोलो ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो भाई। ये लो बात करो। कौन है बे? बिल्ला, सारा कोकेन हाथ से निकल जाने के बाद कैसा लग रहा है? तू है कौन? मैं जानता हूँ तुम्हारा कोकेन कहाँ है। तुम रंगा के छोटे भाई हो ना? मुझे तुम्हारे बड़े भाई से बात करनी है। भाई बात नहीं करेंगे, जो बोलना है मुझसे बोल। राणा भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पुलिस कैसे आ गई, मुझे जाने दो, बख्श दो मुझे। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा कोकेन कहाँ है, पुलिस का उसमें कोई दखल ना हो। उसके बदले मुझे 20 किलो कोकीन चाहिए। 20 किलो माल की कीमत जानता है तू? मैं नहीं जानता 20 किलो कोकीन की क्या कीमत है, लेकिन 900 किलो कोकीन की कीमत पता है? मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता। नार्कोटिक्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आईजी ऑफिस, सबका हिस्सा होगा। खतरा भी बहुत ज्यादा है, बहुत से लोगों को खुश करना पड़ेगा भाई। अगर 20 किलो मंजूर हो तो फिर हम आगे की बात करें। प्लीज भाई, आप इन्हें समझा दो ना भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज भाई। पुलिस की गाड़ी देखकर इसने इशारा किया था। हाँ किया था। बीस किलो क्या, वो मांगे कीमत दूंगा, पर मेरे काम में किसने दखल दिया मुझे जानना है।
उनकी आचरण को जान लेनी है। फिर कोई भी पुलिस वाला रंगा से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। पूरा डिपार्टमेंट मेरे तलवे चाटेगा। कोई फोन नहीं उठा रहा है बिल्ला, बॉस का फोन भी ऑफ है। भैया अभी तक वापस नहीं आए, कुछ तो गड़बड़ है। क्या सभी लोग भाई जी गेस्ट हाउस पहुंच गए पकारे? सर अभी नहीं सर, एक एक करके सब आ रहे हैं सर। ठीक है सर। रातों रात करोड़पति बनने का सपना तुम्हारा सच हो तो क्या करोगे? क्या सर, मैं समझ गया सर। आज की रात ही वो रात है। अगर सब सही हुआ तो जिंदगी सेट है। गड़बड़ हुई तो तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी गया, इसलिए संभाल के। समझ गया सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो कह गया। एक मिनट। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें एक बार बोला तो समझता नहीं है क्या है? बार बार फोन करके परेशान क्यों करती हो? अर्जुन टीम का लीडर। तो उसके साथ टीम में 4 लोग थे, तेरो, सुधाकर, जोसेफ और कुमारन। ये 5 कल का सूरज नहीं देखेंगे। मुझे सारी जानकारी भेज। हेलो हेलो, अबे सो गया क्या? तुम्हें सिर्फ 5 लोगों को नहीं मारना है। क्या कहा? तुम्हारे गैंग में गद्दार भी है। हो ही नहीं सकता, यहाँ पे सब लोग। मैंने कहा ना, कोई है गद्दार। पिछले 2 साल से अर्जुन को तुम्हारी हर जानकारी दे रहा है। तुम ऐसे बार बार फोन मत किया करो। सर सर सर, करीब 900 किलो का कोकेन है यहाँ पर। वो उसके बारे में कोई खबर मिली क्या? सर मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप कुछ और ही बोल रहे हो। मैंने जो आपको खबर दी उसके बदले में इन लोगों ने किसी और को ही मार दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, ढंग से सांस भी नहीं ले पा। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। मैं अब ये नहीं कर सकता सर, मैं किसी पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर कर देता हूँ। चुप रहो, ये क्या कोई नई बात है? तुम पिछले 26 महीनों से अंडर कवर हो। क्या तुमने कभी रंगा को देखा है? कोई जानता है कि वो दिखने में कैसा है? कोई नहीं जानता उसे। हमने उसका 900 किलो कोकीन पकड़ा है, वो जरूर अपने दड़बे से बाहर निकलेगा। बस ये आखिरी मौका है एजाज, इसी मौके के लिए हम पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए कितने पुलिस वालों ने जान गंवाई? सर सर प्लीज सर मेरी बात तो सुनो। तुम सुनो एजाज। पता लगा वो कौन है? इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा? उसकी ट्रैकिंग करनी होगी, लोगों से पूछताछ करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है और हम चांस भी नहीं ले सकते, समझे? सही बोला। तो खाली इशारा कर, गर्दन में काटेगा। सुन हाँ भाई, उसे फोन करके पता कर वो शंकर के बांधो नहीं है। जरूर भाई। देख कल कोई आदमी बचना नहीं चाहिए, अंदर ला के मारने का है। हाँ हाँ पहुंच जाएंगे सर, प्लीज समझिए सर। सर एजाज मुझे पता लगाना है कि वहां क्या चल रहा है, मुझे एक एक चीज की रिपोर्ट चाहिए। दैट्स माय ऑर्डर सर। लेकिन बाद में फोन करता हूँ डियर। संपत। हाँ बिल्ला। हमारे बीच कोई पुलिस वाला है, तुझे किसी पे शक है क्या? मुझे नहीं लगता, हमारे बीच ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल है, मुझसे खाता है वहां जाके हकता है। तो अब क्या करें? आज रात को अपने सभी लड़कों को यहां पर बुला। वो 5 पुलिस वाले कौन है मैं जानता हूँ, आज रात तक उनके सर पुलिस स्टेशन पहुंचने चाहिए। ठीक है, पता लगा था। ए चंद्रा, सबको अड्डे पे बुला। सामान गोदाम में रख दूं, फिर आता हूं। काम छोड़ और यहां आता हूं। आता सुनो, ब्राउन कलर का कंटेनर जिसका नंबर TN45KA7092 है, यहाँ से गुजरा क्या? एक मिनट सर। हाँ हाँ गुजरी थी। कितने बजे गया? 7 बजे। बस 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 यही रुक। वो होटल वाले केस की फाइल कहाँ है? सुबह सुबह इंस्पेक्टर साहब उसी के बारे में पूछने वाले हैं। वो लेकर आओ जल्दी। मैंने इसे भर दिया सर, आप देख लीजिए। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर। हाँ। नमस्ते सर। नाम नलन यादव है, मैं कांस्टेबल हूँ। मेरी पोस्टिंग सातारा में थी, मैं मिस्टर मानिक से मिलने आया हूँ। मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है, आप बताएंगे मेरी पोस्टिंग किस स्टेशन में हुई है? अच्छा तुम हो वो कांस्टेबल जी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, तुम रात में क्यों आए? मुझे पता नहीं था कि ये जगह इतनी दूर है, मैं कल सुबह ही ज्वाइन करना। ए कौन हो तुम जो पुलिस स्टेशन में इसे थप्पड़ मार रही हो? ए ये क्या तेरी बहन है? सही पकड़ा टक लेने। ज्यादा हंसा तो तुम दोनों के दांत तोड़ दूंगा। मैं तुम लोगों से नरमी से इसलिए पेश आ रहा हूँ क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट हो। सर क्या बात है? ये लोग हमारे कॉलेज से हैं, हमारे दोस्त हैं।
क्या इन्हें ले जा सकती हूँ? क्या कहा, ले जा सकती हूँ? ये क्या कॉलेज है? तुम्हें मालूम है इन लोगों ने क्या किया है? ये लोग दारू पीकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर लाउड म्यूजिक बजाकर डांस कर रहे थे। कंट्रोल रूम से हमें शिकायत मिली तो हम इन्हें यहाँ लेकर आए। बैठ जाओ, इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो उनसे बात कर लेना। इंस्पेक्टर को ये जानता है? सब यही कहते हैं। चलो बैठ जाओ, वहाँ कोने में चुपचाप बैठ जाओ। चलो ना। क्या देख रहे हो? कमिश्नर के नए ऑफिस को बने 2 साल हो चुके हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन अभी तक नहीं किया है। अच्छा अच्छा। सर, ये सब इन लड़कों का है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सभी ऑफिसर अर्जेंट मीटिंग के लिए गए हुए हैं। जी जी। उनको वापस आने में टाइम लगेगा, इसलिए आप बैठ जाइए। अच्छा, बैठ जाता हूं। सर, हो सकता है आपको गांव के इलाके में भेजा जाए, उनसे शहर की पोस्टिंग ही मांगना। यहाँ बहुत कमाई है, किस्मत जाग जाएगी आपकी, बहुत मोटा माल कमाएंगे। ममता, ममता, सॉरी यार। हाँ, क्रॉस किया था सर। कितने बजे? 8:30 बजे सर। 4थे और 5वें टोल नाके के बीच 2 घंटे लगे सर। 8:30 बजे तक चारों टोल नाके से क्रॉसिंग टाइम बिल्कुल सही मैच कर रहा है। ठीक है, रखो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये चोट कैसे लगी? सुबह एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ओ, ड्यूटी पर हो या छुट्टी पर? मैं घर वापस जा रहा था तो मैंने एक कांस्टेबल को देखा जो एक आदमी के ऊपर चिल्ला रहा था। जब हमने उसे पूछा तो उसके पास कोई आईडी नहीं थी, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, क्रिमिनल लग रहा था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था सर। सर, मैंने उसे अपनी जीप में बिठा दिया है, उससे पूछताछ करके मैं उसे सुबह तक छोड़ दूंगा। उसे हथकड़ी लगाई है क्या? हाँ लगाई है सर। वजन लगभग 900 किलो। क्या कीमत होगी इसकी? सर, 840 करोड़ अप्रॉक्स। ये माल किस गैंग का है पता चला? रंगा और उसके भाई बिल्ला के गैंग का है सर। उसके अंडर में 2 लोग और काम करते हैं, राम और राणा। इस गैंग में कोई नहीं जानता कि रंगा कैसा दिखाई देता है। ये हमेशा अपने आसपास के छोटे शहर चुनते हैं और उस जगह अपने ट्रक्स को सप्लाई करते हैं। ये सब रंगा का काम है। पिछले 2 साल में ही इस केस पर काम करने वाले 11 पुलिस वाले मारे गए। हम जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है, इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या कहा जाए सर? हमारे डिपार्टमेंट में ही बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं सर। हमें ड्रग्स ही नहीं मिले बल्कि ढेर सारे एक्सप्लोजिव और हथियार भी मिले। आपको यकीन नहीं होगा सर, लेकिन इनके पास गैटलिंग गन भी है। जिन 7 लोगों को हमने ड्रग्स के साथ पकड़ा है वो तो इस गैंग के छोटे मोटे गुर्गे हैं सर। वो सिर्फ ड्रग्स को इधर उधर सप्लाई करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम है सर। ये लो, ये रोहिप्नॉल है, हाई सेडेटिव। किसी भी बोतल में 5 मिलीलीटर से ज्यादा मत मिलाना। पीने के बाद इसका असर चढ़ने में 15 मिनट लगता है लेकिन बेहोश होने के बाद 8 घंटे बाद ही होश आता है। इसकी खबर किसने दी? मेरा आदमी है सर, एजाज अहमद। उससे कहो संभल कर रहे। किसी को मालूम तो नहीं है ना ड्रग्स कहाँ है? आपको, मुझे एंड माय बॉयज। क्या कमिश्नर ऑफिस सेफ जगह है? सर, इस शहर में कोई ऐसी जगह नहीं जो सेफ है। कमिश्नर ऑफिस एक पुरानी ब्रिटिश बिल्डिंग में है। उस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट है सर। ड्रग्स को ऑन रिकॉर्ड लेने तक सारे सबूत और ड्रग्स वहीं रखे गए हैं। सच्चाई तो ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में से किसी को नहीं पता कि ऐसी कोई जगह वहां पर है। वो जगह पूरी तरह से सुरक्षित है सर। तो फिर जाओ, सब लोग एंजॉय करो, जाके ड्रिंक करो। सुनो, इनकी ट्रेनिंग तो लगभग खत्म ही हो चुकी है, आज की रात इन्हें एंजॉय करने दो। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बोतल में 5 मिलीलीटर से ज्यादा मत डालना। अगर 1 पॉइंट भी ज्यादा डाला तो ओवरडोज की वजह से मौत हो सकती है। संभाल के। ये बहुत बड़ा केस है, बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के इतना ज्यादा माल यहाँ नहीं आ सकता, और हो सकता है कि पॉलिटिकल वजह से ही हमें पूरा का पूरा माल वापस भी करना पड़ सकता है। लेकिन सर, अपने आदमियों से कहना संभल के रहे, कोई खबर लीक नहीं होनी चाहिए। सर, आप सोच सकते हैं कि ये सारा ड्रग्स अगर लोगों के बीच पहुंच गया तो? मैंने सिर्फ आगाह किया है, ऐसा हो भी सकता है। बात को समझो, चलो एक एक पैक मारते हैं। नहीं सर, मैंने दवाई ली है। ठीक है, कम से कम मेरा साथ तो दो। सर! क्या बात है, सबके सब आए हुए हैं?
मैं एक महीने बाद रिटायर होने वाला हूँ। करप्ट नेता चाहते हैं कि मेरी जगह नागराज को लाया जाए। इस जगह अब नया सवेरा देखने को मिलेगा। तुम लोगों के साथ बेटे की शादी में मौज मस्ती नहीं कर सका। उस वक्त माहौल भी काफी खराब था और तुम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बिजी थे, इसलिए आज दोनों चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी दे रहा हूँ। और साथ ही मैंने 11 लोगों का नाम प्रमोशन के लिए भेजा है, उसकी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। अब खड़े मत रहो और अपनी फेवरेट ड्रिंक लेकर पार्टी शुरू कर दो। और हाँ, अपने स्टेशन पर बता देना कि तुम यहाँ हो। इस कागज पे 5 पुलिस वालों के नाम हैं। इनका सर काट के लाने वाले के लिए जिंदगी भर की टेंशन खत्म। ये 5 पुलिस वाले IG गेस्ट हाउस में हैं। इनकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि इनकी मौत देखकर सभी पुलिस वालों की पैंट गीली हो जानी चाहिए। ये एक ओपन चैलेंज है तुम सबके लिए। Excuse me. सर, सब अच्छा चल रहा सर। सब ने पीना शुरू कर दिया सर। मैं आपको कॉल करता बाद में। पता चल गया है कि हमारा माल कहाँ है। गैंग के आधे लोगों को वहां लेकर आओ। मैं यहां की बाकी चीजें क्लियर करता हूं। पता लगाता हूं कि रंगा बॉस कहां है और उनके आने से पहले सारा माल कब्जे में कर लें। निकलते बिल्ला, अपने लोग तैयार हैं। तूने बताया नहीं अपना माल का है। कमिश्नर ऑफिस पर भी हमला होने वाला है। ये एक चाल थी सर। अब हम क्या करें सर? पुलिस और क्राइम के सारे लोग यहाँ पर हैं ना सर। रेलवे पुलिस या CBCID को इन्फॉर्म करें सर। नहीं नहीं, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए वरना ड्रग्स हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक भी सिपाही की जान जाए। अगर मीडिया को इसके बारे में पता चल गया तो पूरे डिपार्टमेंट की बड़ी बदनामी हो जाएगी। कुछ करो अर्जुन, मैं नहीं चाहता रिटायरमेंट से पहले मेरी बदनामी हो। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। प्लीज बाहर कोई है क्या? कोई है? या ना कोई कुछ खाएगा ना पिएगा, सब कुछ फेंक दो। हाँ, ठीक है सर। सर, इसका हम क्या करें? एक मिनट सर, देखिए सब गिर रहे हैं। संभालिए इन्हें आराम से। बोलो, और किसकी?
मेरी लॉरी है सर, हम लोग केटरिंग का धंधा करते हैं। इसका ड्राइवर क्या? साहब ड्राइवर बेहोश हो गया, सामान कल लेकर जाना था तो उसने आज दबा कर दारू पी ली। चला लोगे? मैंने तो लॉरी कभी नहीं चलाई। तुम? मैं सिर्फ टू व्हीलर चलाता हूँ। और तुम चला लोगे? मैं तो सिर्फ धक्का मार सकता हूँ। देखो कोई लॉरी चलाने वाला है क्या? साहब पर आखिर हुआ क्या है उनको? देखो तुम फालतू बकवास मत करो, जितना तुमसे कहा जाए उतना करो। लॉरी चलाने वाला कोई नहीं मिला सर। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, क्रिमिनल लग रहा था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था सर। मैंने उसे अपनी जीप में बिठा दिया है, उससे पूछताछ करके मैं उसे सुबह तक छोड़ दूंगा। सुनो तुम्हें लॉरी चलाना आता है? ए, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, लॉरी चला लेते हो? मैं बह रहा है क्या? ए, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ए, तुझे लॉरी चलाना आता है कि नहीं? ओके। अपना हाथ संभाल। बारह जाओ, जाकर उस लॉरी को स्टार्ट करो, जल्दी करो। कमिश्नर का ऑफिस यहां से 80 किलोमीटर दूर है, मुझे वहां छोड़कर तुम चले जाना। तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा, मैं देख लूंगा। जाओ जल्दी करो। क्या? मैं नहीं कर सकता। तुमने कहा ना तुम्हें लॉरी चलाना आता है। मैंने कहा तो था, पर ये नहीं कहा था कि मैं चलाऊंगा। क्या रे, हथकड़ी खोल दी तो अकड़ दिखा रहा है। मुझे क्यों पकड़ा था? दाढ़ी रखना को अपराध है क्या? आपके ऑफिसर ने मेरी शर्ट को खींचा, मेरा एक बटन टूट गया। इंस्पेक्टर बोला, सरकारी अधिकारी बोलेगा तो छोड़ दूंगा। ये लो, बात करो। हेलो शिवा, बस निकल गई क्या? मैं शिवा नहीं, अर्जुन बोल रहा हूँ, स्पेशल टास्क फोर्स से। आप कौन है और इसे कैसे जानती हैं? नलिनी बोल रही हूँ, प्रोबेशन ऑफिसर, कोल्हापुर जेल से। ये कैदी है क्या? कैदी था, अब नहीं है। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन अच्छे बिहेवियर की वजह से 4 साल कम हो गई। 10 साल जेल में काटने के बाद उसे आज ही छोड़ा गया है। उसके पास उसका रिलीज ऑर्डर भी है। आपने देखा नहीं? कैदी को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, ये कैसे हुआ मैम? स्पेशल परमिशन ली थी तीर्थ यात्रा के लिए। पहले आप बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैम एक इमरजेंसी आ गई, हमें यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाना है और लॉरी चलाने वाला कोई नहीं। मैंने इसे कहा कि लॉरी चला लो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। आप इसे समझाइए ना। शिवा क्यों चलाएगा, मैं परमिशन नहीं दे सकती, उसे जाने दीजिए। मेरी बात सुनिए मैम। सर मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। उसने अपनी बेटी को पिछले 10 सालों से नहीं देखा है। इतने सालों बाद हमें पता चला है कि वो मुंबई के किसी अनाथालय में रहती है। कल सुबह अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, वो उसे पहली बार देखेगा। जाने दीजिए ना, आप उसे क्यों रोक रहे हैं? आप उसे अपने लफड़े में क्यों खींच रहे हैं? मैम हर आरोपी बहाने बनाने में माहिर होते हैं। देखिए हालात बहुत ही मुश्किल है, जैसे बहुत से पुलिस वालों की जिंदगी जुड़ी हुई है। अब इसे कहिए कि लॉरी चला ले। लो बात करो। हेलो शिवा, वो पुलिस वाला जो कह रहा है उसकी बात सुनो और उसकी मदद करो। मैम मैं ये नहीं कर सकता, मैं मुझे अपनी खोई हुई जिंदगी फिर से वापस मिली है, मुझे इस काम के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं बस में चढ़ने के बाद आपको फोन करूंगा। देखो शिवा मेरी बात। ए, मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, लॉरी चलाएगा या नहीं चलाएगा? हथकड़ी खोलिए सर, मुझे अब जाना है। क्यों दिमाग खराब कर रहा है? तेरे पॉकेट में जो रिलीज ऑर्डर है ना, दिखा मुझे। छोटे से छोटे जुर्म के बदले में 3 साल के लिए अंदर जा सकता है तू। मेरी बात मान वरना दोबारा अंदर जाएगा। मैं जानता हूँ तेरी बेटी कहाँ है, सिर्फ एक फोन करूंगा और रातों रात दूसरे अनाथालय में वहां से शिफ्ट हो जाएगी वो। फिर अगले 10 साल तक ढूंढते रहना उसे। बोल करो ऐसा या लॉरी चलाएगा तू? मुझे लगा सच जानकर आप जाने देंगे, पर आप तो मुझे धौंस दिखा रहे हैं। क्या तू अकेला ही परिवार वाला है क्या? अपने आप को इंसान समझता है ना? हाँ पुलिस वालों का परिवार नहीं होता है क्या? रात के वक्त अगर पुलिस वाले ना हो तो क्या होगा? पुलिस ना हो तो कितना अपराध बढ़ सकता है, अखबार पढ़ोगे तब पता चलेगा। ड्यूटी पर पुलिस वाले दारू पिए हुए थे और एक अपराधी ने उनकी मदद की, क्या ये खबर भी छपेगी? ए, तो अपनी बेटी से मिलना चाहता है कि नहीं?
7, 8, 9, 10, 11 दीदी। क्या हुआ? सुबह के 10 बजने में अभी कितने घंटे बचे हैं? पहले ये घड़ी छोड़ो और चुपचाप सो जाओ। अगर मैं आ गई तो तुम्हारी खैर नहीं। तू लॉरी चलाना जानता भी है या नहीं? क्या हुआ? सर, इसका ब्रेक ठीक नहीं है, चारों चक्के हिल रहे हैं और गियर भी जाम है। पता नहीं 80 किलोमीटर तय कर पाएगी या नहीं। सर सर सर, लॉरी एकदम टकाटक है। इसका हार्ट, किडनी, लीवर सब फिट है। इसको चलाने नहीं आती। लॉरी एकदम चकाचक है। इसको लॉरी देना खतरे से खाली नहीं है सर। जाके पूछो ना कौन तू कौन है? सर, मैं इस लॉरी का क्लीनर हूँ सर। सर, इसको अंदर बाहर एकदम अच्छे से जानता हूँ मैं। ठीक है, बकवास बंद करो और जैसा कहा जाए वैसा करो। ठीक है, एक तरफ खड़े रहो। ठीक है सर, ठीक है। तुम लोग सारे पुलिस ऑफिसर्स को लॉरी में लाद दो। जी सर। ओके सर। और ध्यान रहे, कुछ भी हो जाए किसी को मत बताना कि यहाँ क्या हुआ था। ठीक है जी, ठीक है। अगर तुम लोगों ने गलती से भी ऐसा किया तो पूरे परिवार वालों को अंदर डाल दूंगा। समझ गए? चलो जाओ। ठीक है सर, ठीक है सर। चलो सभी को पीछे लॉरी में लादना पड़ेगा। चलो जल्दी करो। अरे उस तरफ भी देख, अंदर वाले को बाहर लाते हैं। ब्रेक करके सबको लॉरी पर लादेंगे। चल ठीक है, ठीक है। हाथ लगा, उठा। हां पहले मैं मदद करती हूं। हां ठीक है, चलो पकड़ो, हाथ लगा, पकड़ो आराम से। अरे लेके आना। अरे देख कमल। हां चलो, सारे कैदी लाइन में खड़े हो जाओ। मैंने कहा ना लाइन से खड़े हो जाओ। चलो हां, ए तेरे को अलग से कहना पड़ेगा। अर्जुन, और क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं? पल्स बहुत तेज चल रहा है और हार्ट बीट भी बढ़ा हुआ है डॉक्टर। कुछ लोगों को खून की उल्टियां हो रही है। ओके। कुछ लोगों के कान से खून बह रहा है। बहुत सीरियस मामला है। ओके ओके, मेरी बात सुनो। तुमने सेडेटिव ड्रग्स ब्रोटिजोलम, मिडाजोलम, केटामाइन और रोहिप्नॉल के बारे में सुना होगा। अगर अल्कोहल के साथ में मिला दिया जाए तो रिएक्शन हो सकता है। अगर 5 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट हो गई तो बच सकता है, अगर नहीं तो जान का खतरा है। कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। देखिए डॉक्टर, मैं हाईवे से होते हुए नहीं आ सकता। किसी को इस घटना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं फिलहाल इसके बारे में समझा नहीं पाऊंगा। मुझे अपनी लोकेशन भेजिए डॉक्टर, मैं फटाफट आता हूँ। ओके, जल्दी आओ। विघ्नेश सर, मेरा बैग अंदर रख दो और देखो हमारे पास कितने बेड खाली हैं। जी सर। एक्स्ट्रा बेड की जरूरत होगी। एक मिनट सर। अरे वो इसे बंद करो ना यार। बटन दबा दो ना। अरे पहला बटन सर। हाँ हाँ हाँ, हेलो, बोलिए सर। एक बात बताओ, कमिश्नर ऑफिस में अभी तुम कितने लोग ड्यूटी पर हो? मैं हूँ और 3 कांस्टेबल हैं नाइट ड्यूटी वाले। और ऑफिस में? ऑफिस के सारे लोग जा चुके हैं। लॉकअप में बंद आरोपियों के अलावा और भी कोई है क्या वहाँ पर? ड्रंक एंड डांसिंग के इल्जाम में पकड़े हुए 4 स्टूडेंट्स हैं सर। ठीक है, दूसरे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो। ज्यादा से ज्यादा पुलिस वालों को अपने यहाँ बुला लो, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। सबको अंदर लेने के बाद सारे दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देना, समझ गए? समझ गया, लेकिन दरवाजे विरवाजे क्यों बंद करने हैं सर? ए, सवाल मत पूछो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। जल्दी जल्दी सबको अलर्ट कर दो, ठीक है? श्यामपुरम पुलिस स्टेशन,
मैं कमिश्नर ऑफिस से बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर है वहाँ पर? मुरली सर है क्या? वो यहाँ नहीं है सर। थाना इंचार्ज है क्या? अभी तक वो आए नहीं है। थोड़ी देर पहले आकर चले गए, थाने में कोई नहीं है। उनका मोबाइल नंबर दीजिए ना। हाँ लिख लो, उनका मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा है। उनके मैसेज में आईजी गेस्ट हाउस लिखा था। बस इतना ही लिखा था क्या? इस बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। वहाँ पुलिस स्टेशन में कितने लोग हैं? बस मैं और एक पुलिस कांस्टेबल है सर। जैसे ही वो वापस आते हैं उन्हें बोलो फोन करें। ठीक है सर, बोल दूंगा। ये देखो, इस वक्त हम लोग यहाँ पर हैं और हमें इस जगह जाना है, लगभग 80 किलोमीटर दूर। लेकिन हम हाईवे से नहीं जा सकते, हमें भीमा शंकर शॉर्टकट लेना होगा और इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, उसके बाद कमिश्नर ऑफिस जाना होगा। तुम्हें रास्ता पता? जब चलेंगे तब आप रास्ता बताते रहना, हम मैप को फॉलो करेंगे। यहाँ कोई लोकल है क्या? बचाने का रास्ता मालूम है? ऐसा कोई रास्ता नहीं जो मुझे ना मालूम हो। गूगल मैप से भी ज्यादा रास्ते जानता हूँ मैं। एक दूसरा सॉलिड शॉर्टकट है वहाँ तक पहुँचने का। तुझे रास्ता पता है? माधवरम से होते हुए देवचेरी, अवम पेते, फिर तित्तकुड़ी, फिर उधर से लॉरी जा सकती है? वहाँ से लॉरी अलाउ नहीं है, सिर्फ मेरी वाली को छोड़ के। वहाँ पर दो चेक पोस्ट है, उन लोगों को थोड़ा खिला दिया तो वहाँ से जा सकते हैं। इसे भी साथ ले लो सर। क्या कहा? रास्ता बताने वाला चाहिए होगा। ए सर, लॉरी में बैठ जा। सर मैं जाकर क्या करूंगा सर? चल बोला ना। और भी दूसरे काम है सर। बात तो सुनिए, आपने मेरी लॉरी इन लोगों को बिना परमिशन के दे दी। अगर आप मेरी लॉरी ले जाएंगे तो मैं केटरिंग का सामान वापस कैसे ले जाऊंगा सर? मेरे पैसे क्लियर कर दीजिए सर। ज्यादा चूचा मत कर, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ। 40 पुलिस वाले बेहोश हो गए, क्या मिलाया था खाने में? तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा, फिर खिलाते रहना खाना वहाँ पर। बैठ चुपचाप। सर उस आदमी ने बाल्टी भर के बिरयानी खाया और चौड़ा होकर ड्राइवर सीट पर बैठा है। इतना खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, हम लोग सबके हिस्से की बिरयानी अकेला खा गया सर। अरे तू भी साथ चला जाना, अपनी लॉरी सुरक्षित रहेगी। चुप, तेल लेने गई लॉरी। चलो मैंने हर स्टेशन पे फोन किया था, जो बात उन्होंने आपको बोली वही मुझे बोली। स्टेशन में कोई नहीं है, सिर्फ कांस्टेबल है। सर अगर हमने दरवाजे बंद कर दिए तो हम सिर्फ चार हैं, हम कैसे मैनेज करेंगे? सारे दरवाजे बंद होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कितने लोग आए हैं? हम लाठी डंडे से आकर कितने लोगों को संभाल सकते हैं? सर हमें ही उनसे मुकाबला करना है, इसीलिए मैं डर रहा हूँ। मतलब हम सब बलि के बकरे हैं? मुझे रिटायर होने में सिर्फ 5 महीने बचे हैं, आखिरी दिनों में मैं गुंडों से मार नहीं खाना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, अगर इंक्वायरी होगी तो हमसे ही सवाल पूछेंगे। ये किसने कहा? पूछताछ ऊपर से होगी, उन्हें ये सब झेलने दो। क्या तुम सब भूल गए, जब 3 लोग नाइट ड्यूटी के दौरान करजत पुलिस स्टेशन में मारे गए थे तो उस वक्त किसी बड़े अधिकारी ने फोन नहीं उठाया था, इसलिए फिलहाल यहाँ से निकलने में ही भलाई है, सुबह वापस आएंगे। अंदर एक लड़की और 4 लड़के भी हैं सर, क्या हमें उन्हें जाने के लिए कह देना चाहिए? अगर तुमने इन लोगों से यहाँ कुछ कहा तो इंक्वायरी में तुमसे भी सवाल पूछा जाएगा, उनके नसीब में जो लिखा होगा ना वो होने दो। लेफ्ट लो यहाँ से, रुको ये वाला लेफ्ट नहीं, आगे वाला लेफ्ट टर्न। नहीं लगता है पिछले वाला टर्न ही सही था। क्या रे, तुझे क्या लगता है साइकिल है? जब चाहे जिधर मोड़ लिया, सही रास्ता नहीं बता सकता? मुझे ऐसी समझ में आता है, या तो सुनो या फिर अपने आप ही चलो। सर ये मुझे सुना रहा है, ऐसे बोलेगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा और रास्ता भटक जाऊंगा। सर ऐसे बोल रहा है जैसे मुझे सैलरी दे रहा है। पता है मैं अपने आदमियों को हर महीने सैलरी देता हूँ, पैसों की अकड़ मत दिखाना मेरे सामने। सर इसे कहिए ना चुपचाप लॉरी चलाए। जब हमारे लोग वहाँ पहुंचे तो उन्हें बता देना कि वो 5 आदमी कौन है। सर कोई आदमी सभी पुलिस वालों को ट्रक में डालकर पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है। सर कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं जानता सर। तुम वही हो ना, तुम कुछ क्यों नहीं करते? मैं कुछ नहीं कर सकता सर, अर्जुन भी यहीं पर है। ठीक है रुको, और बताऊंगा क्या करना है। जी सर, मैं तुम्हें 5 मिनट में फोन करूंगा। ठीक है सर। रुको, अरे
ऑफिस में तो कोई नहीं है और फोन भी बहुत देर से बज रहा है। लगता है सब चले गए। सुना, हम भी यहां से निकल लेते हैं यार। ए चुपचाप बैठ जा। ए तू चुप कर यार, तुम सब फट्टू। ए रुक जा यार। रुको अजय। ए कहां जा रहे हो यार? उसको समझाओ, कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। इन्हें तुम ही समझाओ ममता, मेरी सुनता कहां है? ए ए ए आपके दारू पिएगा क्या? फिर से बैग मारेगा। इंस्पेक्टर कभी भी आ जाएगा। चुप भाई, होशियारी मत करो। जरा ऊपर दे, यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है? नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं है। जरा ऊपर आना, डरने की जरूरत नहीं है। हा? मैं कुछ नहीं करूंगा। वहाँ लॉकअप की चाबी रखी है, लाकर मुझे दे दो। ए, मत जाना वहाँ पे। ए, मत जा, प्लीज मत जा। अरे आ जाओ दोस्त। कहाँ जा रहे हो तुम? है ऊपर जो आदमी है ना, वो मुझे बुला रहा है। देखो तुम लॉकअप के पास नहीं जा सकते, इधर आओ। ये बाकी के पुलिस वाले कहाँ गए? पता सर, हम लोग कुछ नहीं जानते, वो पता नहीं कहाँ गए और काफी देर से यहाँ कोई नहीं आया। समझ नहीं आता ये ड्यूटी के वक्त कहाँ चले गए। हटो तुम लोग। तुम सब लोग यहाँ भी क्यों हो? सर एक्चुअली हम लोग रुक, ड्रंक एंड ड्राइव के केस में हमें पकड़ा है। लाइसेंस, सेल फोन और कॉलेज आईडी उन्हीं के पास है, उसके बगैर हम नहीं जा सकते। हटो हटो। हेलो रशिंदे, दूसरे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया। कौन बोल रहे हैं? ओए अर्जुन बोल रहा हूँ, स्पेशल टास्क फोर्स। सर सर मैं पुलिस स्टेशन में अकेला हूँ, यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं है, हेड कांस्टेबल भी नहीं। हाँ कोई भी पुलिस वाला नहीं है। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मेरा नाम ललन यादव है सर, मेरा आज ही सतारा से ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे सर। मैंने अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। ललन तुम कितने साल के हो? मैं अगले महीने पूरे 55 का हो जाऊंगा सर। ठीक है ललन, मैं तुम्हें इसी वक्त ड्यूटी ज्वाइन करवाता हूँ। ओके मैं समझा नहीं सर। ललन इसी वक्त से तुम्हारी पोस्टिंग कमिश्नर ऑफिस में की जाती है, यू आर ऑन ड्यूटी। ऑलराइट? यस सर। अभी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, मुझे 2 घंटे लगेंगे, तब तक ध्यान रहे कि कोई भी कमिश्नर ऑफिस के अंदर नहीं आना चाहिए, समझे? इसी वक्त सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करो। ठीक है जल्दी करो, फोन रखो और जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। अभी करता हूँ। नजर रास्ते पर रखो, आगे से राइट, लेकिन वो भी मैं कंफर्म नहीं हूं। रास्ता पता के दिमाग हिल गया है, इसलिए टॉनिक ले रहा था। चलाओ। ए, अगर मैंने कह दिया कि तेरी बनाई हुई बिरयानी खा के मेरी तबीयत खराब हो रही है तो पता है वो तेरे साथ क्या करेगा? इसलिए मुझे ढंग से रास्ता बता। हाँ भाई, आगे से राइट, इस बार करेक्ट बता रहा हूँ। सर मैं किससे बात करूँ? तुम्हें तो राणा का नंबर भेजा है। ठीक है सर, उसे रास्ते के बारे में बताओ। मैं उसे अभी फोन करता हूँ सर। माल का क्या करना है सर? माल फटाफट खाली करो। ठीक है। हेलो। हेलो राणा, मुझे स्टीफन ने आपसे बात करने को कहा है। ठीक है। लॉरी माधवरम से गुजर रही है, मैं नहीं जानता कि ये कहाँ जा रही है। हाँ देवा चेरी से इन्होंने राइट मारा है। मुझे बस डायरेक्शन बताते रहना, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ बताता रहूंगा। सुनो, लॉरी आईजी गेस्ट हाउस पर नहीं है, वो सारे ऑफिसर्स को लेकर माधवरम की तरफ निकल चुके हैं। वो पहाड़ी क्रॉस करने वाले ही होंगे, उनमें से किसी को छोड़ना नहीं। अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो मैं किसी और को दे दूंगा। क्या कर रही है? मुझे तो ये पुलिस वाले नहीं बल्कि वॉचमैन लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हेलो सर। क्या हुआ ललन? मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं सर, मैंने मेन गेट भी बंद कर दिया, लेकिन उन्हें अंदर से सपोर्ट की जरूरत है। तो फिर करो ना, मैं रास्ते में ही हूँ। ये सारा काम मैं अकेले नहीं कर सकता। सर आपने सारे दरवाजे बंद क्यों कर दिए? पहले हमें जाने दीजिए सर। चुप रहो चुप रहो। ये कौन है? ये लड़की अपने कॉलेज के साथियों को छुड़ाने के लिए आई है, मैं इन्हें जाने दूं? नहीं मत जाने दो, जब तक मैं आ नहीं जाता किसी को जाने मत दो। सबके फोन भी अपने कब्जे में ले लो। ठीक है सर, लेता हूँ। लाओ अपना फोन दो। लेकिन क्यों सर? फोन दो, ऑर्डर में वापस दे दूंगा। लाओ दो, लाओ दो, दो दो। दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करने के लिए उनकी मदद चाहिए तो ले लो। यस सर। क्विक फास्ट। बच्चों तुम मेरी मदद करो ना, ये बेंचेस और चेयर दरवाजे पर लगा दो प्लीज।
सर चलो, चलो, ये सब आप हमसे क्यों करवा रहे हो? हमारा फोन भी ले लिया और हमें जाने भी नहीं दे रहे। फोन दीजिए, मुझे हॉस्टल फोन करना है। बेटा मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बाद में वापस दे दूंगा। हम तभी आपकी मदद करेंगे जब आप बताएंगे कि हो क्या रहा है। मुझे भी नहीं पता, बड़े ऑफिसर आएंगे ना तब हमें सब कुछ बता देंगे। इंतजार करो, हम आपकी मदद करेंगे सर। क्या? लेकिन आप हम पे ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस नहीं लगाएंगे तब? हाँ दिखाई नहीं दे रहा वो ऑलरेडी कितने परेशान है। जब तक पुलिस वाले नहीं आ जाते मैं इनकी मदद जरूर करूंगा। बताइए क्या करना है। वो बेंच को जरा धक्का देना। बन्नाडू क्रॉस कर रहे हैं। खबर पक्की है ना? कंफर्म, मैंने बोर्ड देखा है तभी बोल रहा हूं। हमारे लोग आ रहे हैं, बस उन पांचों की तरफ इशारा कर देना। ठीक है, बाकी वो संभाल लेंगे। लगा लगा जल्दी कर। सब तैयार है ना? हम सब तैयार हैं। लॉरी पहुंचने वाली, उन पांचों को वही मार दो और उनका सिर मेरे पास लेकर आओ। समझ गए? काम पूरा होते ही मैं फोन करता हूँ। उससे बंद करो, सबकी नींद खराब हो रही है। तुम चाहती क्या हो? तुम्हें जानना है ना सुबह कौन मिलने आ रहा है? रजिस्टर में नंबर है। रेडियो भी खराब हो गया, बिना म्यूजिक के इतने दूर कैसे जाएंगे? सुनो भाई, तुम्हारे पास फोन है क्या? मैं भी ना, तुम्हारे पास कहाँ से होगा? आज ही तो जेल से रिलीज हुए हो, जैसे नई पिक्चर रिलीज होती है। वैसे कितने साल से जेल में थे? 10 साल तक। वाह, मतलब 2009। तभी तो मैं 8वीं क्लास में था। जब से तुम जेल गए हो तब से बहुत चीजें बदल गई है। घर का टॉयलेट बन गए, लोग सड़क किनारे नहीं बैठते। हाँ, बस वोटिंग सिर्फ एक ही बार हुई है। अगर तुम व्हाट्सएप पर नहीं मतलब तुम अनाड़ी हो। लोग टिकटॉक पर वीडियो बना बना के हीरो बन रहे हैं। हाँ, सेल्फी लेने के लिए लोग पहाड़ से भी कूद रहे हैं। है? क्यों भाई, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अंदर ही अच्छा था, कहाँ बाहर आके फंस गया? नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें बदल गई है, तरस आ रहा है तुम पर। तुम्हारी हालत बिल्कुल बिन पानी के मछली जैसी हो गई होगी। नहीं, क्या कहते हो, जेल की याद आ रही होगी ना? बेटा तुझे क्या लगता है, जेल मंगल ग्रह पर है? लोगों और हमारे बीच सिर्फ एक दीवार ही तो है। इस फोन में यशुदास के गानों का फोल्डर है, उसे बजा। तुम्हें बस में लगाते देखकर ही मैं समझ गया। हेलो सर, हमारे पास जो कुछ था उससे हमने सारे दरवाजे ब्लॉक कर दिए हैं। अब इसे कोई भी आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। आपने जैसा कहा था ठीक हमने वैसा ही किया है। ठीक है, सुनो सारी लाइटें भी बंद कर दो। ठीक है, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। यस सर। बिल्कुल डरना नहीं, ठीक है? ठीक है सर, जल्दी आइए। सुनो, स्पीड थोड़ी और बढ़ा। सर डीजल खत्म हो रहा है, पता नहीं लॉरी कब बंद हो जाए। कोई बात नहीं, तुम चलाते रहो बस। अब तो भगवान भरोसे ही पहुंचेंगे। मेरे बापू केटरिंग कंपनी चलाते थे। उनके मरने के बाद मैं अपने चाचा के साथ मिलकर इस धंधे को चलाता। बाकी लोग बिरयानी में सस्ते चावल डालते हैं, लेकिन हम सबसे अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल डालते हैं। कैसी थी बिरयानी? तुमने तो कई सालों के बाद बिरयानी खाई होगी। जेल में कहाँ बिरयानी नसीब होती होगी, है ना? भाई तुम्हारे फोन पे कोई फोन कर रहा है। दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे फोन करेगा। कोई भी फोन नहीं उठा रहा। एक बार और ट्राई करो। जल्दी करो, अगर मैडम आ गई ना तो मुझे बहुत सुनाएंगी। एक और कॉल करने दो ना। ठीक है, कर करो।
भाई उसी नंबर से फिर फोन आ रहा है। हेलो। हेलो, मैं दीक्षा बोल रही हूँ। आप कल मुझसे मिलने आ रहे हैं ना? आप मेरे क्या लगते हैं? सर! इतनी जिंदगी लिखी होगी उनकी, तू ये रुक। तुमने कुछ भी हो गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्या मैं कह रहा हूं, जा जल्दी। जल्दी कर, अब ज्यादा देर मत करो, गाड़ी में हो फंसाओ, जो मिले उसे बाहर खींच लो, पेट्रोल पंप फेंको और डिस्टेंस बना के रखो। Yeah!
और स्टीयरिंग पकड़ो। तू आगे जा, मैं देखता हूं। मुझे बाइक की आवाज सुनाई दी। देर पहले मेरी एक लड़की से बात हुई थी, क्या मैं उससे बात कर सकता हूं? आप कौन है? सर मैं उसका पापा बोल रहा हूं। तुमने उस बच्ची को अनाथालय में छोड़ दिया, बोलते उसके पापा हो? हैं? ये मेरी बदकिस्मती है सर। उस बच्ची ने तुम्हें कितनी बार फोन किया लेकिन तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। वो बच्ची उदास होकर अपने कमरे में चली गई। वो मैं जंगल से गुजर रहा था तो मेरे सेलफोन का नेटवर्क चला गया था, मैं कुछ कह पाता इससे पहले फोन कट हो गया। क्या आप प्लीज अब उसको बुला सकते हो? मैं उसे नहीं बुला सकता सर। आपको क्या लगता है आपकी बेटी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही है? ये अनाथालय है सर, यहाँ 150 लड़कियाँ एक ही कमरे में सोती हैं। वो सब जमीन पर लेटी रहती हैं जहाँ उन्हें रात भर मच्छर काटते रहते हैं। मैं समझता हूँ सर, जब से वो पैदा हुई है मैंने उसे आज तक नहीं देखा। कल सुबह आऊंगा तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। क्या कहा, तो मुझे पैसे दोगे? सुनो, आप बेटी को मिलाने के लिए तो मुझे घूस दोगे? तुम क्या चाहते हो, मरने के बाद मैं सीधा नरक में जाऊं? माफ करो, मैं उसे नहीं जगा सकता इस वक्त। वो क्या है कि जब मैंने अपनी बेटी की आवाज पहली बार सुनी तो मेरे होश उड़ गए। शायद इसी वजह से मैं कुछ ढंग से बात नहीं कर पाया। मुझे याद है एक बार मैंने उसकी फोटो नोटिस बोर्ड पर देखी थी। मैं वो फोटो भेज दूंगा, यही आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? हाँ, शुक्रिया सर। पहले मुझे देखने दीजिए वो फोटो वहाँ है या नहीं। अगर आप सीधे जाएंगे तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर माधोपुरम है। इस ट्रक से जाना तो मुश्किल है, अरे पूरा जंगली इलाका है, सड़कों पर लाइट्स भी नहीं है। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। मैं आगे नहीं जाऊंगा सर, आपने कहा था आपको छोड़ने के बाद मैं जा सकता हूँ। और ये लोग कौन थे, हमारी जान ले ली होती इन्होंने? ये सब बाद में बताऊंगा, अब चलो। मैं नहीं चलूंगा सर, मुझे बताइए आखिर चल क्या रहा है? पुलिस वाले दारू पी के बेहोश हो गए तो ये मुसीबत हमारे गले क्यों? सर ये सब क्या हो रहा है सर, पुलिस होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्या हालत हो गई है मेरी लॉरी की? ए, तेरी लॉरी जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी, अभी चल। लॉरी तो ठीक हो जाएगी सर, अगर ये मारा जाता तो। मैं जा रहा हूँ, मैं बागी के रास्ते पैदल ही जाऊंगा, तुम लोग अपना रास्ता नाप लो, मुझे साथ में मरने के लिए ले जा रहे हो क्या? अरे जैसा तू समझ रहा है वैसे ये नशेड़ी या बेवड़े पुलिस वाले नहीं है, ये वो पुलिस वाले हैं जो पिछले 10-15 सालों से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें धोखे से नशीली दवा पिलाई गई है। जा, तुम जानते हो अगर वो ड्रग्स उनके हाथों में लग गया तो क्या होगा, तुम नहीं समझोगे। बेटी से मिलना है ना तो लॉरी स्टार्ट करो। ए बेवड़े, तूने दारू पी रखी है क्या? हाँ ये अच्छा है, पुलिस वाले दारू पी रहे, ठीक, मैं पिया तो बेवड़ा बेवड़ा हुआ हूं, तभी तो लॉरी का गम बर्दाश्त कर पाया हूं। ए, वो लोग चले गए। भाई जरा लॉरी रोकना। क्या हुआ, यहाँ क्यों रोक दिए? दरअसल सर यहाँ से राइट जाना है, लेफ्ट मुझे पता नहीं। मैंने फोटो आपको भेज दी है, देख लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ राडा, हम चेक पोस्ट नंबर 10 पर हैं। चेक पोस्ट क्रॉस कर दिया? नहीं 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 नहीं,
अभी रुके हुए हैं। भाई यहाँ से लेफ्ट ले लो, शायद वही सही है। हम चेक पोस्ट से लेफ्ट जा रहे हैं। लेफ्ट लेफ्ट। सुन हाँ, एक फोटो आई है मुझे, पर ये खुल नहीं रही, जरा चेक कर। भाई नेटवर्क पूरा नहीं आएगा तो ये फोटो डाउनलोड नहीं होगा। तुम्हारे पास अगर 4G कनेक्शन होता तो डाउनलोड हो जाता। मेरा फोन दरअसल मेरे चाचा के पास है, वरना मैं अपने फोन में तुम्हें दिखा देता। पुलिस वाले से वाईफाई कनेक्ट करूँ क्या? हे, लगता है अंदर कोई भी नहीं है। जाओ गाड़ी के पास खड़े रहो। देखो भाई, सारे कबों का रंग काला होता है, फिर भी अपने माँ बाप को पहचान लेते हैं ना। तुम बस उसके पास जाओ, देखो तुम्हारी बेटी तुम्हें कैसे पहचान लेती है। सही कहा ना सर? ए, अरे रास्ता पूरा खाली है, स्पीड बढ़ाओ ना। नेटवर्क इतना खराब है कि लगता नहीं तुम्हारी फोटो डाउनलोड हो पाएगी। क्या भंगार फोन है भाई। क्या तुमने कभी स्मार्टफोन के बारे में सुना है? स्मार्टफोन होता ना, फटाफट फोटो डाउनलोड हो जाता। वहां पर देखो। ए, रुकना नहीं है, चलते रहो चलते रहो, जल्दी जल्दी, और तेज और तेज, फास्ट 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 फास्ट, रुको मत। ये लोग कौन है सर? क्या पता कहां से आ गए ये लोग। क्या हो गया? लाइट बंद है, पता नहीं अंदर जाना सेफ होगा क्या। क्या करें? जाके दरवाजा तोड़ दे। ए, रॉड लेके आ। इन लोगों के पास लाठी डंडे सब कुछ है, कुछ कीजिए सर। जल्दी से लॉरी पीछे लो। चारों तरफ जंगल है सर। अच्छा, इनके ऊपर चढ़ा दो और आगे बढ़ो। मुझे इन पे लॉरी चढ़ा के फिर जेल नहीं जाना। अरे तुम चढ़ा दो ना, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। चलो जल्दी। ए, लॉरी को मैंने रोका है, उन पांचों का सर मैं लूंगा। तुम पतली गली निकल लो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इनकी गाड़ी पर बाद से हमला करवाया और रास्ता बदलवाया, और पांचों सर तुम ऐसे ही ले जाओगे? मैं क्या पागल दिखता हूँ क्या? रे खाना मैं पकाऊं और मजे से तुम खाओगे? सुन, एक बात जान ले, मजे मैं ही लूंगा, बचे हुए बर्तन तुम साफ करना। तू पीछे से आया है, सामने मैं खड़ा हूँ, अपने शिकार को मैं नहीं छोड़ने वाला। चल दफा हो जा। दो दो हाथ करके देख ले, जो जीतेगा सर वही ले जाएगा। ए, तुम सोच क्या रहे हो, चलाओ ना। अरे हुआ क्या? अरे क्या हुआ? आपने कहा था ना कि मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हाँ, लेकिन हो तो वही रहा है। देखो देखो, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता ना, तो तुम मेरी बात ही नहीं मानते। ये ट्रक में जितने पुलिस वाले हैं वो सब परिवार वाले हैं। चलो। क्यों सर, हम लोगों का परिवार नहीं है। हेलो। हेलो शकील, मैं सागर का भाई बोल रहा हूँ। उन्होंने हमारे 5 आदमी को मार दिया है। डील कर लो। सागर का भाई बोल रहा है, डील करना चाहता है, उसके कुछ आदमी मारे गए हैं। कैसे डील? ठीक है सर, आपने जो कुछ कहा मैं भूल जाऊंगा।
आपको आपकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचा दूंगा। बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे जो चाहोगे दे दूंगा, अभी सौदेबाजी का टाइम नहीं, जल्दी गाड़ी चलाओ। नहीं पहले बताइए, ठीक है कितने पैसे चाहिए? बोलो बोलो। पैसे किसने मांगे सर? तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बेटी के लिए एक कमरा जिसमें एक फैन लगाओ, एक बेड हो और पढ़ने के लिए एक अच्छे स्कूल में दाखिला, ये सब करेंगे आप? अरे उसकी पढ़ाई लिखाई की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम आईजी की जान बचा रहे हो, सरकार तुम्हें। सर आप ये सब करेंगे? हाँ बिल्कुल, वादा करते हैं। चलो एक डील करते हैं, तीन सर तुम ले जाओ, दो मैं ले लेता हूं, मैंने भी मेहनत की है। हाँ वादा करता हूं, अब चलो यार। आपने बाएं हाथ से वादा किया है सर, कहीं आप भूल तो नहीं जाएंगे? ये देखो ये मेरी बेटी, जिस स्कूल में ये पढ़ती है उसी स्कूल में उसे पढ़ाऊंगा, मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ, अब जल्दी से गाड़ी चलाओ। अरे चलाओ भाई। उसको ऐसा दिखाओ कि हम मान गए, वो लोग सिर्फ चार हैं, बाद में उन्हें भी ठिकाने लगा देंगे। एक और बात, जो लॉरी का ड्राइवर है जिसके हाथ में हथकड़ी है वो मेरा शिकार है, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप लोग रुकिए मैं सब ठीक करके आता हूं। क्या कर लोगे, उनके पास खतरनाक हथियार है। भाई ये क्या कर रहे हो आप? सिर्फ ये जानते हैं कि मैं 10 साल तक जेल में था, ये नहीं जानते कि उससे पहले मैं क्या करता था। इसे छोड़ दे, ये उन लोगों का शिकार है। तू जाके उन 5 पुलिस वाले को लेके आ, जाओ। ए, रास्ते से हट जा, सुनाई नहीं देता क्या? Yeah!
चढ़ गया है। आज तक मेरे परिवार में से किसी ने भी पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखा था। क्यों, वो सीधा कोर्ट में जाते थे क्या? ए चुप बैठो। तुम लोग क्या पढ़ाई करते हो? इंजीनियरिंग सर, ईसी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो और ब्योड़ों की तरह दारू भी पीते हो, इसीलिए तो पीनी पड़ती है। सर सर, कोई गेट खोल रहा है सर। हाँ? बात सुनो, अंदर जो कोई भी है, 5 मिनट का वक्त देता हूँ, दरवाजा खोल दो, मैं अपना माल लेकर चलता बनूंगा। अगर मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ा तो सबको मार डालूंगा। सर गेट पे लगभग 20 से 30 लोग खड़े हैं, हम लोग क्या करें सर, बताइए प्लीज। हिम्मत रखो ललन, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। आप कहाँ तक पहुँचे सर? जल्दी पहुँच रहा हूँ। आप कहाँ हो सर? मैं बस रास्ते में। ओके सर। सर, ए अंदर जाने का रास्ता ढूंढो। ओए चलो रे, आ जाओ। ए चल 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 चल, आ जा। ए जाके उस तरफ देख, इधर कोई नहीं है। सर एक ही आदमी के पास गन थी, ये लीजिए आपके पास रखिए इसे। ए सर माचिस देना। ए लॉरी कितनी देर में चलने के लिए तैयार हो जाएगी? दरअसल क्लच और ब्रेक बहुत गर्म हो गए हैं सर, ठंडा होने में कम से कम 10 से 15 मिनट तो लगेगा ही। अगर लॉरी को कुछ हो गया तो मेरे घर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये लॉरी हमारी रोजी रोटी का जरिया है। ललन क्या हुआ? सर ये लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अब क्या करें? अरे सुन 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 सुन, कुछ मत कर और डर मत, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन। हाँ बोलिए। टॉप फ्लोर पर बने सेल में जा। हाँ, रास्ता दो। वहाँ एक ब्लू शर्ट में तेरे को कैदी मिलेगा, उसको जल्दी से फोन दे। हाँ। और उन लड़कों से पूछ कि किसी पास एंड्रॉइड फोन है क्या, जिसके जरिए मैं उनके साथ वीडियो कॉल पर बात कर सकूं। हाँ। ये सब क्या चल रहा है बेटा? हाँ? तुम्हारे फोन से वीडियो कॉल किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अभी आपको फोन करता हूँ सर। ए ध्यान से देख। चल जल्दी सर। इसे ऐसे पकड़ के बात कीजिए। हाँ बोलिए सर। ब्लू शर्ट कॉर्नर वाला, आगे बढ़, दिख रहा है तुझे? मैं दिख रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर। तुम्हारे बंदों से बात करो जो बाहर है, उसे बोलो कि तुम्हारा ड्रग्स यहाँ नहीं है, जिसके लिए वो इधर आए हैं। मेरे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, बदले में तुम लोगों को छोड़ दूंगा। ठीक है सर, इसे कहिए मुझे फोन दे। ललन उसे अपना फोन दो। जी सर, दो 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 फोन दो। हाँ ये लीजिए। वापस आने के बाद ना एक 4G वाला कार्ड डाल देना, लोग वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं और तुम्हें यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्ला। कौन है? मैं शंकर बोल रहा हूँ। कहाँ है तू? और ये किसका फोन है? अर्जुन इस समय मेरी कॉल सुन रहा है, उसने एक डील के लिए कहा है। वो हमें जाने देगा लेकिन उसके लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाए तो। भैया ठीक है ना? भैया तेरे साथ ही आए थे ना? अर्जुन मुझे वीडियो कॉल पर देख रहा है बिल्ला। से जो पूछा उसका जवाब देना। बिल्ला पुलिस। सर अर्जुन लाइन पर है सर। भैया अंदर है? हाँ बिल्ला। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दरवाजा खोलते ही तुम लोग सीधे बाहर आ जाओ। डील ओके बोल दो, बोल दे डील ओके। ठीक है बिल्ला, उसे डील मंजूर है, दरवाजा खोल दो। सुन रे सबको पीछे बुला, जल्दी से सेल खोल दो। ठीक है सर। तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा। और सेफली वहां से निकल जाओगे। अच्छा सर। चला जा। जिन 7 लोगों को हमने ड्रग्स के साथ पकड़ा है वो तो इस गैंग के छोटे मोटे गुर्गे हैं सर। वो हमें जाने देंगे लेकिन यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैंने कहा ना अर्जुन लाइन पर है। हाँ बिल्ला वो अंदर है। दरवाजा खोल दो। हाँ ठीक है सर खोलते हैं। चल सर लॉरी तैयार है, हम चले। एक मिनट रुको। हाँ सर। ललन सुनो। हाँ? सेल खोल दो जल्दी। अच्छा रुको रुको, अभी मत खोलो, मेरी बात सुनो पहले। रुक गया, क्या क्या हुआ सर? उन लोगों के नाम पूछो जरा। जी सर। ए तुम्हारा नाम क्या है? हिटलर।
तुम्हारा नाम? गोपाल। तुम्हारा नाम? शंकर। और तेरा? मूर्ति। और वो कौन है? अरे तेरा नाम क्या रे? ए भैरा है, सुनाई नहीं देता, नाम बोल। क्या हुआ? हाँ भैया अंदर ही, किसी ने अनजाने में उठा लिया उनको। पहले उनको सही सलामत बाहर आने दे, फिर अंदर जितने लोग हैं उनको मार डालेंगे। ए अपना नाम बोल। सर इनमें से एक अपना नाम नहीं बता रहा है सर। पीछे आ जाओ, उसका नाम रंगा है। हा? अगर वो बाहर आ गया ना तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा वो, चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। हेलो ललन, चलो जल्दी। शिवा कहाँ है? वो सिग्नल के लिए उस तरफ गया सर। अरे यार चाबी दे मुझे, चाबी उठा कर दे, जल्दी चाबी उठा। शिवा शिवा गाड़ी चलाओ जल्दी, सिर्फ 40 किलोमीटर बचे, जल्दी करो। अरे क्या हुआ यार, चलो ना, क्या हुआ क्या? चाबी दो मुझे, चाबी दो मुझे, मर जाएगा। जल्दी मार डालूंगा इसको सर, बाहर आकर तुम सबको मार डालूंगा। छोड़ो इन्हें। ए दरवाजा बंद करो, सारे दरवाजे बंद करो। मेरी बेटी है सर, मैं बस इसके साथ रहना चाहता हूं, बिना किसी लड़ाई झगड़े में फंसे हुए। मेरी आंखों का तारा है ये, इसकी नाक और माथा बिल्कुल अपनी मां पर गया, मुस्कुराती है तो इसको उसी तरह डिंपल्स पड़ते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर गई है। देखिए कैसे खड़ी है, क्या ये किसी हत्यारे की बेटी लग रही है, किसी पुलिस वाले की बेटी? देखो जल्दी चलो यहां से, मैं इसको इसी वक्त गले लगाना चाहता हूँ। अगर हम जल्दी पहुंचेंगे तो तुम जल्दी देख पाओगे इसे। मैं इसे देख पाऊंगा ना सर? हाँ क्यों नहीं देख पाओगे, अभी और कितना जाना है सर? भाई हम लोग आधा रास्ता पार कर गए, पहाड़ी के पीछे हॉस्पिटल है। चलिए सर। राणा लॉरी चल चुकी है, उसका नाम शिवा है। 5 पुलिस वालों का सर लेने से पहले तुमको उसको मारना होगा। उसका नाम क्या बताया तुमने? शिवा। शिवा देखिए खिड़की टूटती है क्या? तोड़ दो साहब, तोड़ दो। तोड़ दे, बहुत मजबूत लकड़ी से बने, टूट ही नहीं रहा है। ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, इसके दरवाजे और खिड़कियां बहुत ही मजबूत हैं। ये इतनी आसानी से टूटेंगे नहीं। देखता हूँ कोई और रास्ता है। तुम तीनों वहां जाकर देखो। ए, सबको रुकने को बोल। ए, रुको। रुको। ए, उसने सबको बहुत बुरी तरह से मारा, पहाड़ी की तरफ गया है। ए, कौन है वो? उसका नाम शिवा है, वो अभी अभी जेल से बाहर आया है, उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। समझ में नहीं आता पुलिस वालों से क्यों मिला हुआ है। बॉस वो शेर की तरह दहाड़ता है, राका और राजा को इतना मारा के गुंडागर्दी छोड़ दी। भाई वो माथे पे भस्म लगाता है और शंकर की तरह तांडव करता है। शंकर का नाम लेता, अरे बोलना कि तू डर गया। अजय मैं थालाकुड़ी के पास ही हूँ, रघु से कहो मैंने उसे हाई स्कूल के पास बुलाया है। मैं बाद में कॉल करता हूँ। डॉक्टर मैं रास्ते में ही हूँ। हाँ अर्जुन, रोहिप्नॉल ड्रग मिलाया गया था। क्या कहा डॉक्टर? बहुत स्ट्रॉन्ग सेडेटिव है, बहुत खतरनाक है, ये आसानी से नहीं मिल सकता, इसे पाना बहुत मुश्किल है।
जरूर तुम्हारे डिपार्टमेंट का ही कोई आदमी है जो नार्कोटिक्स देखता है। अर्जुन 3 घंटे बीत चुके हैं, देर मत करो, और देर करोगे उनकी मौत हो सकती है। ओके ओके डॉक्टर, मैं पहुंच रहा हूं बस। भले ही पुत्र माता को भूल जाए या माता अपने पुत्र को भूल जाए, प्राण तन को भूल जाए या तन प्राण को भूल जाए, या मनुष्य ने जो कुछ लिखा है वो उसे भूल जाए, जिस ईश्वर ने हमें दुनिया में भेजा है मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भाई गुंडों ने पहाड़ी को घेर रखा है, उन्होंने तुम्हें सुन लिया तो? नहीं नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। एक दिन करेगा। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? 17 लोग है भाई। ए, और तुम्हारे साथ? पूरे 20 लोग बॉस। देखता हूँ वो दोनों पहाड़ी कैसे पार करेंगे। हम यहाँ 40 लोग हैं, सबको 10 फीट की दूरी पर फैला दो। क्या नाम बताया था, शिवा या शंभु? पहले आने तो दो से पहाड़ी के नीचे। देखिए सर, जो लोग हमारा पीछा कर रहे थे उन्होंने पहाड़ी को घेर लिया है, लॉरी जहां जाएगी वो वहां पर हमला करेंगे। अब हम क्या करें शिवा? आप जो कहेंगे सर मैं वही करूंगा, क्योंकि मैं अगर आपसे कहूंगा तो आप कहेंगे मेरा दिमाग खराब है। ठीक है, बोलो क्या कहना है। ए बिल्ला, मेरा हाथ दिख रहा है यहां पर, इधर बोलो भाई, बोलो ना, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ आवाज आ रही है। मेरी बात सुनो, एक लोहे का दरवाजा है पीछे की तरफ। क्या? ए थोड़ा और ऊपर उठाओ यार, वो उन लोगों को अंदर आने का रास्ता बता रहा है। ए, हम घिरे हुए हैं, अगर हम पकड़े गए तो सिर्फ हम 5 मारे जाएंगे, लेकिन तुम तो सभी को मारना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने कहा था ना आप यही कहेंगे, अब आप ही बताइए। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लॉरी रुकी हुई है, पता नहीं कौन सी जगह है, पता चलता है तो बताता हूं। क्या हो गया? भाई नशे में कोई बड़बड़ा रहा होगा, चुपचाप सो जाओ, हमारी जान अटकी पड़ी है यहां पर। लोहे का दरवाजा है पीछे की तरफ। लोहे का दरवाजा। ठीक है, लोहे का दरवाजा। चलो, जल्दी जल्दी। सर मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे इन लोगों को कोई आवाज नहीं आएगी। तुम क्या करने वाले हो? और जोर से लगाओ। जय भोलेनाथ मददगार। ए जल्दी जल्दी इधर आओ, ए लॉरी इस तरफ आ रही है, ए चलो जल्दी आओ, उसे पकड़ना है, चलो चल चल चल। उठो 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 जल्दी, चलो चलो चलो। गुलगुल क्या आ रहा है? पहिया है। अरे सुनो, लॉरी दूसरी तरफ जा रही है। चलो
दिया। अंदर घुस, अंदर घुस। सर कहाँ है? सर, मेरा पीछे लगा। जैसे आ जाए मुझे बताना। सर, आ जाइए, भागे सर, जल्दी। डर गए, उन लोगों ने सर पर हमला कर दिया। भाई अब हम क्या करेंगे? भाई मुझे गन दिखी। भाई, भाई भाई उसके पास गन है भाई। तू कह रहा हूं डूब मरो चुल्लू पर पानी में। ओए, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, ये भी नहीं जानता तुम पुलिस के लिए क्यों काम कर रहे हो। हमें बस लॉरी में मौजूद पांच लोगों से मतलब है। ए, इधर दे। अर्जुन, तीरू, सुधाकर, जोसेफ और कुमारन, इन्हें मुझे दे दे और उसके बाद जहां जाना है चला जा। मैंने जबान दी है कि इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, इन्हें उस जगह तक पहुंचा दो, उसके बाद तुम अपना हिसाब कर लेना। हे, जाओ उसे खत्म कर। गोली चला। सच में उसके पास गन है भाई? अरे खिलौना है, आगे बढ़ो। गोली चला। यार सच्ची गन है वो। डर लग रहा है तो आंख बंद करके चला। तू क्या पुलिस वाला है जो पैर में गोली मार रहा है? जहां हर गोली का हिसाब देना होता है, भेजे में गोली मार। सर, सर, वो जो कोने में उसे गोली मार। दो गोलियां और बची हैं। अगर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करे तो उसे मार देना। भाई लोहे का मजबूत दरवाजा है, दिन भर मारेंगे तो भी नहीं टूटेगा। दीवार तोड़ दे रे, जल्दी कर। हेलो, कुछ पता लगा क्या? सुनो, शिवा नाम का कोई आदमी शामिल है, उन पुलिस वालों को बचाने के चक्कर में उसने तीनों गिरोह का सफाया कर दिया। शर्म नहीं आ रही? ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही तुझे? ए, तुम प्यार से मुझे लॉकअप की चाबी दे दो। अगर मैं यहां से बाहर आ गया, सिर्फ तुम्हें ही नहीं तुम्हारे परिवार के एक एक आदमी को खत्म कर दूंगा। चाबी दे दो मुझे। मुझसे पहले फोन मत करना। तू फोन रख पे। मार डालो।
मामला नहीं संभल रहा है। क्या? तू उधर पहुंच। क्या? तू उधर पहुंच, पुलिस यहाँ नहीं आनी चाहिए। पर यहाँ का मामला कौन संभालेगा? वो मैं देख लूंगा, तू जाना। जाओ क्या? सर, सर, चेहरे पर पानी मार। भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई आगे से लेफ्ट टर्न लेना। अकेडमी के कुछ टॉपर लोगों की पोस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है, शायद वो अभी अंडरकवर काम कर रहे हैं। मुझे उनके नाम बताओ। एक मिनट सर। सत्या। सत्या। गुणशेखरन। गुणशेखरन। आजाज अहमद। ठीक है, रखो। मिशन पूरा हो चुका है, सारे सबूत के साथ मैं शहर छोड़ दूंगा। जगह उसने बताई थी। हाँ बस आगे अब और कोई दिक्कत ना हो। हाँ। अब आगे क्या करें भाई? हाँ? इनका पैर पकड़। ठीक से लेटा। अभी कहां पर हो? थावाकुड़ी स्कूल पर। तूने कहा था हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो स्कूल कैसे पहुंच गए? मुझे नहीं पता, जल्दी करो। आ जाओ जल्दी करो। सर, गुड इवनिंग सर। मुझे क्या पता, इधर रास्ता नहीं है, उधर से चक्कर लग सकते। पिछला दरवाजा तोड़ सकते हैं। आपने जैसा कहा था, मैंने चारों लड़कों को और लड़की को यहीं पर रोक लिया। आप कब तक आएंगे सर? देखो सर, मैं मिस्टर अर्जुन नहीं बोल रहा हूँ। फिर कौन बोल रहे हैं? वो कहाँ है, तुम्हें मालूम है यहाँ पे क्या चल रहा है? जानता हूँ सर, मैं शुरू से उनके साथ हूँ। आप बस डरिए मत, बड़े ऑफिसर वहाँ पहुँचने वाले हैं। डरिए मत, मैं पिछले कई घंटों से ये सुनता आ रहा हूँ। अगर वो अंदर आ गए ना तो हम लोगों की गर्दन काट देंगे, और इसका जवाब मिस्टर अर्जुन को देना पड़ेगा। पहले तुम बताओ कि तुम कौन बोल रहे हो? मैं आपकी तरह एक इंसान ही हूँ, गलत वक्त पर गलत जगह फंसा हुआ हूँ। बिल्ला दरवाजा तोड़ दे, बिल्ला तोड़ दे दरवाजा। अभी अंदर आप कितने लोग हो? वो हम लड़की को मिलाकर 5 लोग हैं। अर्जुन सर पे भरोसा करके मैंने यही रोक लिया। क्या वो जानते हैं कि मिस्टर अर्जुन कौन है? मैंने तो खुद उन्हें अभी तक नहीं देखा है।
चाबी उस पुलिस वाले के पास है बिल्ला। अरे पहले ये म्यूजिक बंद करवाओ। मुझे बताइए वो लोग उस पर कैसे भरोसा करेंगे जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं। उन्हें आपके ऊपर भरोसा है। जो हमारे ऊपर भरोसा करता है उसका ख्याल हमें ही रखना पड़ता है। आपको बहुत से डर लग रहा है, मर जाना लेकिन अपनी पूरी ताकत से लड़ना। किसी कायर की तरह मत मरना। आप पुलिस वाले हैं, अगर कोई अंदर आने की हिम्मत करे तो मार मार कर उसकी हड्डी पसली तोड़ देना। हेलो सर, 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 आइए उठिए उठिए सर। समझ भी जाए आजा, ए उधर जाके चेक कर। इधर रास्ता नहीं है, लाओ के ये। ए उधर चलो रे, हाथ पकड़ो, पकड़ो इसे, कस के पकड़ो, दुपट्टा जल्दी, तुम्हारा दुपट्टा दो, पकड़ो इसे, ये लो, कस के बांधो। भाई आज मालूम पड़ा कि गन कितनी भारी होती है। फिल्मों में जैसे एक हाथ से चलाते वैसे नहीं चला सकते। मैंने चलाया तो पीछे धकेला गया, जैसे तैसे खुद को संभाला मैंने। अगर मैं नहीं आता तो तुम दोनों कब का मर गए होते। नहीं ये क्या हो रहा है, कोई बाहर नहीं आ रहा है, मैं जाके देखूं क्या अंदर। चुपचाप बैठा रहे। वैसे भाई तुम हो कौन, तुमने खून क्यों किया? वैसे दिखने में तो खूनी जैसे लगते ही हो, पर असल में वैसे हो नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। बताओ ना भाई। तू अपने काम से काम रख। भाई बताओ ना, अब बता भी दो। तेरी उम्र क्या है? अभी अभी 23 का हुआ हूं। जब मैं तेरी उम्र का था तब तक मैं सब कुछ देख चुका था। मुझे लड़ने और दारू पीने में बहुत मजा आता था। गौरी वो जिंदगी में नहीं आई होती तो मैं मरने तक पहले जैसा ही रहता। बहुत प्यारी थी, सब उसे देखते थे, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मुझे ढूंढती थी।
उसने मुझसे शादी की कसम खाई थी और उसने अपनी कसम पूरी की। हमारी झुग्गी प्लेटफॉर्म के बगल में थी, वो उसे अपना महल मानती थी और हमेशा खुश रहती थी। हर रोज मुझसे अपने बालों में फूल लगवाती, माथे पर भस्म लगवाती, हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ बनाती रहती, कुछ न कुछ खिलाती रहती। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है। पहली बार मुझे लगा कि मैं जीना चाहता हूं। ये समझ लो कि जैसे किसी पैदाइशी अंधे को थोड़ी देर के लिए आंख मिल गई, लेकिन जैसे ही वो खुश हुआ उससे सब छीन लिया गया। उस दिन शुक्रवार था, नई फिल्म लगी थी, बस्ती के सभी लोग फिल्म का लेट नाइट शो देखने गए, बस हम दोनों नहीं गए क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। हमने दुकान बंद की और फिर सो गए। तभी अचानक वो बहुत जोर से चीखी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि उसे खींच कर ले जा रहे थे। ऐसे में तुम क्या करते? मैंने उन्हें मारा, इतना मारा, तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गए। जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई तो वो सड़क के बीचों बीच खड़ी रोए जा रही थी कि मैं उसे छोड़ के ना जाऊं। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मैं उसे आखिरी बार देख रहा हूं। देखते ही देखते हमारी दुनिया तबाह हो गई। उसकी आवाज, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हर एक चीज आज भी मुझे याद है। भाई, क्या वो मर गई है? क्या हुआ, अब तक जाग रही हो? नहीं दीदी, मुझे नहीं लगता कि कल मुझसे कोई मिलने आने वाला है। पागल हो क्या? मैंने कितनी बार हेलो बोला पर किसी ने कुछ कहा ही नहीं, मतलब वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, वो तुमसे मिलने जरूर आएंगे, अभी तुम सो जाओ। तुम जाओ भाई, लॉरी के बारे में भूल जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। पर ये काम अधूरा छोड़ के कैसे जाऊं? भाई, पुलिस वाले भी यहां पर आ गए, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तुम जाओ और जाके अपनी बेटी से मिलो, जाओ। मेरी तरह उस आदमी की भी बेटी है, वो एक अच्छा आदमी है। ये बात तुम कैसे जानते हो? अगर होश में आने के बाद वो बात से मुकर गया तो? 10 साल जेल में बुरे लोगों के साथ रह चुका हूँ, अच्छे लोगों को एक नजर में पहचानता हूँ। अच्छा, फालतू बातें बंद करो, पहले जाओ और जाके अपनी बेटी से मिलो। बेचारी अभी तक अनाथों की तरह जी रही है, जरा सोचो उसे कैसा लगेगा अगर उसका पिता उसे मिलने से पहले ही मार दिया जाए। जरा सोचो इस बारे में, सरकार तो पुलिस के परिवार को पैसों से भर देगी, तुम्हारी बेटी का क्या होगा? बहुत हुआ दूसरों की मदद करना, अब यहां से जाओ और अपनी जिंदगी और अपनी बेटी के बारे में सोचो। जाओ अब भाई, जाओ ना। अब हम इसका क्या करें? क्या हम इसे कहीं और बंद कर सकते हैं? रुको, मुझे जरा सर से पूछने दो। जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। उठा नहीं रहा। किसी को भेजा है जो हथियार लेकर आएगा। चेक पोस्ट के पास किसी ने चाकू मारा है। सर, मैं नहीं जानता ये किसने किया, ठीक है? एक काम करो,
तुम उन दोनों बॉडीज को उठाकर स्कूल बस में डाल दो और निकल जाओ। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, ये बहुत जरूरी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? एक काम करो, इन लोगों को जो जो क्लिनिक लेके जाओ, कहो कि इमरजेंसी है, जल्दी करो, और उनको अजय के साथ ही रहने दो। उनसे कह दो कि तुम जा रहे हो। तुम लोग निकल जाओ, मैं इन लोगों के साथ आता हूं। देख, मैं आया तो अपनी बेटी से मिलने के लिए था, मिल तो नहीं पाया लेकिन तस्वीर तो देख ली, उसकी आवाज भी सुन ली। मैं चाहता हूं वो खुश रहे, और इस आदमी ने उसका ख्याल रखने का वादा किया है। क्या होगा अगर मैं यहां से चला गया, अरे से कुछ हो गया तो दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ तो फिर मेरा उसके साथ रहना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका खुश रहना जरूरी है। देख, मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस आदमी की हिफाजत करूंगा। भाई तुम्हें क्या लगता है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ भी लेगी तो क्या अपने पापा के बिना खुश रह पाएगी? ए बात तो अभी नहीं समझेगा, क्या तू मेरी मदद करेगा? जब मैं जेल में था तो मैंने 3 साल वहां बेकरी में काम किया, जिसके मुझे कुछ पैसे मिले, तो मैंने सोचा उसके लिए क्या खरीदूं। तो मुझे याद आया कि गौरी को कान के झुमके बहुत पसंद थे, तो मैंने उसके लिए भी यही खरीद लिया। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ये मेरी बेटी को दे देना, हाँ संभाल के रखना। ए, उसे कहना तेरे पापा ने दिया है, अगर पूछे कि मैं कहूं तो क्या कहेगा? जेल में पागल, तो और क्या कहूं भाई, दुबई में एक बहुत बड़ा पेंटर है। बस में जा रहे हैं सर, हाँ हॉस्पिटल ही जा रहे हैं सर, मैं राणा को बता दूंगा कौन सा हॉस्पिटल। ये उनके और पुलिस वालों के बीच का मामला है, उन्हें ही संभालने दो। अर्जुन अगर जिंदा बच गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। सर उसे खत्म कर दो। मैं कैसे करूंगा सर? तुम डरो मत, अर्जुन के लोग आज रात कुछ भी नहीं कर सकते, हायर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए खुलकर बात नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, बाद में संभाल लेंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ड्राइवर रोकना सर, रोकना रोकना। सर लगता है ये होश में आ गया। सर सर मुझे अच्छा फील हो रहा है सर, मैं आपके साथ आ जाऊं सर। मनोज मनोज दर्द हो रहा है, सॉरी। सुनो मैंने थप्पड़ मारा, सॉरी। सुनो उसकी गर्दन है, बकवास क्या कर रहा है? काट उसको, काट डाल। मैंने कहा था तुमसे, कहा था कि नहीं कहा था? सब तुम्हारी गलती है, मुझे चाबी दे दिया होती तो ये आदमी जिंदा होता। सिर्फ ये आदमी नहीं, वो और वो भी, हर 30 लोग खड़े हैं। वो अंदर आ गए तो तुम्हारी क्या हालत करेंगे, सोचा है? भैया और 2 मिनट में चाबी अपने हाथ में होगी, अपना माल उठा के साथ में घर जाएंगे। साथ में चाबी देवे Ha 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 ha
सर, मनोज मर गया। सर, वो यहाँ रुका क्योंकि आपने उसे रुकने के लिए कहा था। मुझे उन लोगों ने मार दिया सर। मनोज, मनोज। ए बिल्ला, बिल्ला, बिल्ला कुछ बोल। हमारी आवाज सुन रहे हो? ए बिल्ला उठो, चलो बिल्ला, बिल्ला, भाई, उन्होंने बिल्ला के साथ कुछ किया है, बिल्ला, भाई, ए बिल्ला, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? क्या क्या बिल्ला के साथ? पीछे जाओ, चेक करो, राम किधर हो? बोलना। ए राम, क्या हुआ बिल्ला? बिल्ला को क्या हुआ? देखो। ए, जाओ उधर से चेक करो, जाओ जल्दी, जल्दी। ए कौन? ए, ए बिल्ला, तुम सब लोग मरोगे। बहुत पछताएगा। दरवाजा खोलो। एजाज अहमद। एक बार ये खदान पार कर जाएंगे तो शहर पहुंच जाएंगे। वहां से कमिश्नर के ऑफिस पास में है। सर, चाहे कुछ भी हो जाए, लॉरी से बाहर मत निकलना। ए सुनो तुम लोग, जिन पुलिस वालों को तुम ढूंढ रहे हो वो लॉरी में नहीं है। मैंने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। मेरा नाम शिवा है। मैं बात कर रहा हूं, आप पीछे रहिए। मैंने तुम्हारे आदमी को मारा है, इसलिए जो भी हिसाब बराबर करना है। भाई, भाई। नहीं, यही वो गद्दार था जो सबको खबर देता। भाई, भाई, नहीं। ए, ए, इसके गन में गोलियां नहीं है, जल्दी आओ, जल्दी। ए, जल्दी आओ, जल्दी, जल्दी। ए, मेरे खाना चाहो। पकड़ इसको। इसे खत्म कर दो। तूने स्कूल बस से उन्हें किस हॉस्पिटल में भेजा? मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? हाँ, नहीं पता। जाकर शहर के सारे हॉस्पिटल को छान मारो, देखो वहाँ कोई स्कूल बस पार्क है कि नहीं। देखता हूँ वो कैसे बचते हैं। पहले इसे खत्म करते हैं। पत्थर फेंक। ए, तुम लोग अपना काम करके निकल जाओगे, अगर ये बच गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मार देते हैं। ना फेंक उसे। Ah!
अपने आदमी को फोन करके पूछ कहाँ है। मैं जो पूछ रहा हूँ जल्दी कर। भाई मुझे दीजिए, मैं संभालता हूँ। लाइए दीजिए मुझे। सर मेरे पॉकेट में गन है सर, लीजिए सर, निकाल लीजिए, टाइम नहीं है सर, जल्दी कीजिए। मुझे लगा था तुम पकड़े गए। I'm sorry. तुम्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था, मेरी वजह से तुम भी। दाढ़ी निकाल दोगे तो इसके जैसे ही दिखोगे, देखो। उसे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अब समझे गद्दारी का अंजाम संपत। मेरा नाम संपत नहीं है, इजाज अहमद है, 2016 बैच एकेडमी टॉपर। 2 साल से मैं तेरे गैंग में हूँ और तुझे पता भी नहीं चला, तू एक नंबर का बेवकूफ है। ठिकाने लगाओ इसे। राम का फोन था, बिल्ला के साथ कुछ हो गया है। क्या बोला? कुछ तो हुआ है, उसने कई बार फोन किया है। भाई, भाई, नहीं, वो मत लो। अरे मारना! वो मत लो, जोड़ो से। क्या हुआ बिल्ला को? मैं आ रहा हूँ। भाई, देखो भाई, इन लोगों ने तुम्हारी बेटी का झुमका मुझसे छीन लिया। अपनी आंखें खोलो भाई, देखो, आंखें खोलो भाई। ये क्या मजाक चल रहा है? भाई, इन लोगों ने तुम्हारी बेटी के झुमके तोड़ दिए। अब तो आंखें खोल दो भाई, भाई, आंखें खोल दो भाई। इसे खत्म कर दो। ऐसे हार मत मारो, आंखें खोलो। ए, कार से दरवाजा तोड़ दो, मैं आ रहा हूं। Come on!
उसके पापा उसे मिलने के लिए आते वक्त मर गया तो उसे कैसा लगेगा? ए, तो अपनी बेटी से मिलना चाहता है कि नहीं? मैं दीक्षा बोल रही हूँ, आप कल मुझसे मिलने आ रहे हैं ना? हेलो, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? आप मेरे क्या लगते हैं? जिंदा है सर? अगर जिंदा है तो लॉरी में आ जाइए, यहां से चलते हैं। चलो बेटा मेरी बात सुनो, चलो यहां से। तुम जानती हो अगर वो अंदर आ गए तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? चलो चलो ऊपर, चलो ऊपर, चलो सब, चलो जल्दी, चलो चलो चलो, चलते रहो, रुको मत। चलो अंदर, चलो 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 अंदर, अंदर। सर सर आप ये क्या कर रहे हैं? हमें बंद क्यों कर रहे हैं सर? चाहे कुछ भी हो जाए उनको अंदर आने मत देना, इस लड़की को कोई छूने ना पाए। और इसको जैसे नहीं टूटेगा लकड़ी का ढूंढ लेके आ, जल्दी जा लेके आ। ठोक इसको, ठोक, अरे ठोक ना, जाए, तुम लोग आ रहे क्या? जाओ, देखा, तुम लोग ठोको रे, अरे तोड़ना, नहीं टूटना क्या, तोड़। आप कहाँ जा रहे हैं सर? बिल्डिंग के अंदर। चाबी मुझे दे दीजिए। शिवा, चाहे कुछ भी हो जाए रंगा बाहर नहीं आना चाहिए। ए, ये पुलिस वालों की प्रॉब्लम है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह यहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें कौन बचाएगा? ए, थोड़ी बची है क्या? पुलिस आती ही होगी। शराब बची है? अरे ठोक ना, चल ठोक इसको, ठोक। सर, आपने अपनी बच्ची की कसम खाई कि आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, अगर आप अपने वादे से मुकर गए तो मैं मरने के बाद भी
आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो यहां से चलते हैं, मैं आप ही के साथ हूं। अर्जुन सर बाहर हैं, बाकी बच्चे कहां हैं? ऊपर। अरे कहां जा रहे हो? ये खोलो। ए, हमें भी खोलना। ये दरवाजा खोलो। अरे खोल। ए, यहां। अरे वहां क्या कर रहे हैं? यहां बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर जाके गाड़ी में बैठो। चलो बाहर निकलो, चलो चलो जल्दी 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 बेटा, आजा आजा जल्दी। अरे खोल, चलो इधर। ए क्या कर रहे हो? अबे इधर आ, इसे भी खोल। अरे खोल ना। अरे यहाँ यहाँ कहाँ जा रहे हो? पीछे की तरफ लॉरी खड़ी है, जाके बैठ जाओ। जाओ 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 चलो चलो जाओ, मैंने कहा। चलो बेटा चलो। मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होता, मैं उसे अपने साथ ले आऊंगा। जाओ इसे लेकर जाओ। चलो बेटा रुको मत, चलो, चलो, चलो चलते रहो। दौड़ जल्दी दौड़। सुनो तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हो सर? एक काम है, निपटा के आता हूँ मैं। सर सर आप कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी काम निपटा के आता हूँ। सर सुनो, ए जल्दी आओ, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो, संभाल के तुम इसे ले जाओ, मैं आता हूं। चलो आराम से। सर यहाँ ये, सर ये देखिए। आप चलो इसी वजह से इन लोग इतनी मार काट कर रहे हैं सर, इसी वजह से। अगर मैं मर भी जाऊं तो इसे उनके हाथ आने नहीं दूंगा, मैं इन सारे ड्रग्स को जला दूंगा, एक ग्राम भी नहीं छोड़ूंगा, सबका सब जला दूंगा। समझ क्या रखा है हमें? हाँ उस लड़के का गला कितनी पहले में ही से काटा उन्होंने मेरे सामने, उसकी उम्र मेरे बच्चे जितनी थी। भर गया वो, भर गया। तुम लोगों की कहानी खत्म। देखता हूँ मैं कि तुम लोग ये माल कैसे लेते हो। नहीं रख दूंगा, तुम्हारे हाथ नहीं रख दूंगा ये सब मैं। सर क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है। ये ड्रग्स बेचने वाले शैतान हैं सर, अगर ये उनके हाथ लग गए ना तो हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन शैतानों को जिंदा नहीं बचना चाहिए। जोर से मार। कौन है भैया? पता नहीं भाई। ये कैसे काम करता है? लाल बटन दबा। ये क्या लेके आया है? लगता है ये मच्छर मारने की मशीन है। ए, मारो उसको। अब फायर करो। भागो भागो।
डोंट वरी यू आर फाइन ओके विग्नेश इसको देखो पुलिस आई है अब क्या कांड किया है मैं तुमसे पूछ रही हूँ सो गए क्या सर शिवा भाई भाई शिवा सर आए हैं आ जाते हैं सब ठीक तो है ना सर क्या हुआ सर हाँ सर क्या बात है सर हाथ आगे करो जाओ कहाँ जाओ और जाके देखो जाओ ना जाओ तुमसे बात करेगी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए मुझे माफ कर दो बेटा नहीं जाऊंगा बेटा कभी नहीं जाऊंगा तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगा क्यों शिवा ये तुम्हारी गौरी की तरह है ना सर सर हाँ शिवा कल कुछ लोग तुमसे मिलने आएंगे वो सब कुछ कर देंगे जिसका मैंने वादा किया था मैं जानता था आप मेरी बेटी के लिए सब करेंगे हाँ मैं आपको कुछ दूंगा तो आप लेंगे क्या है
दो मुझे, थोड़ा टूट गया है लेकिन प्योर सोना है सर, ये आप अपनी बेटी को देंगे सर? जरूर, उसे कहूंगा अंकल शिवा ने दिया है ये। भाई वो कौन था जिसने इतना तांडव मचा डाला, कोई आर्मी वाला था क्या? नहीं, वो एक आम आदमी है, उसका नाम है शिवा।